बिल्कुल, ये जो नेता गए हैं ये अपने व्यक्तिगत ताकत रखते हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ऐसा माना जाता है कि वो जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वहाँ अपना वर्चस्व उनका पहले से है। पडरौना से विधायक हैं वो, कुशीनगर से, और वहाँ उनकी ये कहा जाता है कि वो अगर किसी को खड़ा कर दें या खुद खड़े किसी पार्टी से चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है भाई साहब, जैसा आप बोल रहे हैं वो जीत रही है, 100% जीत रही है। देखिए, अगर एक युवा होने के नाते अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, अगर मुख्यमंत्री की एक दावेदारी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव एक बेहतर के लिए विकल्प है, इसमें नो डाउट। जो बेरोजगार युवा हैं कहीं लाठियां खा रहे हैं तो कहीं उनको कहीं से खदेड़ा जा रहा है, बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, उसके बाद लगातार जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के वो समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इन नेताओं के जाने से समाजवादी पार्टी में कितना जनाधार बढ़ेगा। भैया, आज दारा सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ज्वाइन किया था, क्या इन नेताओं के जाने से समाजवादी पार्टी में जनाधार भी बढ़ेगा या सिर्फ नेता ही शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में ही लोग जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो वो सपा भाजपा में जा रहे हैं। बिल्कुल ये जो नेता गए हैं ये अपने व्यक्तिगत ताकत रखते हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ऐसा माना जाता है कि वो जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वहाँ अपना वर्चस्व उनका पहले से है। पडरौना से विधायक हैं वो, कुशीनगर से, और वहाँ उनकी ये कहा जाता है कि वो अगर किसी को खड़ा कर दें या खुद खड़े किसी पार्टी से चुनाव जीतेंगे। दारा सिंह चौहान का भी मऊ से विधायक हैं, निश्चित तौर पर उनका भी एक जनाधार, व्यक्तिगत जनाधार है। निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कुछ फ़ायदा तो होगा ही होगा, क्योंकि जो OBC वर्ग है उसके बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य माने जाते हैं, निश्चित तौर पर उनके जाने से समाजवादी पार्टी का फ़ायदा तो होगा ही होगा। वहीं दूसरी ओर जो समाजवादी पार्टी के नेता भी जा रहे हैं दूसरी पार्टी में, भाजपा में, तो वहाँ पर बराबर चल रहा है ये चीज़ें जो हो रही हैं, आना जाना ये लगातार है, कोई आता है कोई जा रहा है, लेकिन अभी ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगी कि किसका फ़ायदा होगा। लेकिन क्या लग रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा? ये तो अभी मुश्किल है, क्योंकि चुनाव है वो किस मुद्दे पर इस बार होगा, जो जनता है वो किस मुद्दे पर वोटिंग करेगी, ये तो चुनाव जब हो जाएगा 10 मार्च को पता चलेगा। जी, और भी लोग हैं हमारे साथ। आज दारा सिंह चौहान जो है मऊ में, मऊ जिले के मधुबन विधानसभा से वो विधायक चुन के आए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया, और आज वो समाजवादी पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। क्या लग रहा है कि उनके आने से पूर्वांचल में जो है भारतीय जनता पार्टी को कितना प्रभावित करेंगे वो? भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है भाई साहब, जैसा आप बोल रहे हैं वो जीत रही है, 100% जीत रही है वो, उसको कोई नहीं हरा सकता। 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं? हाँ, आराम से, पक्का 100% श्योर। कुछ सीटें कम होंगी बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब अखिलेश यादव की तरफ जो नेता रुख कर रहे हैं वो बेवजह रुख कर रहे हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करके बता दिया है कि डूबती नैया पे आप ना सवार हों। सिर्फ टिकट बर्बाद करना है, उन लोग को टिकट देना, मैं ये जानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और भी लोग हैं हमारे साथ जो है, जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा या सिर्फ नेता ही शामिल हो रहे हैं? देखिए, अभी जल्दी चुनाव आयोग ने जो है जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लागू किया है, लेकिन जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी में लोग ज्वाइन हो रहे हैं ऐसे में कहीं ना कहीं इनका फ़ायदा तो है ही अखिलेश सरकार को, लेकिन अभी स्थिति इस तरीके साफ इसलिए नहीं है क्योंकि अभी BJP ने ना ही अपने जो उम्मीदवार हैं प्रत्याशी हैं उनको जो है उनका टिकट अभी दिया है या अभी उनकी घोषणा की है। बाकी रह गया जिस तरीके से अभी अखिलेश जी ने देखा होगा कि अभी जो मुलायम सिंह यादव हैं और शिवपाल सिंह यादव हैं उनके साथ भी उन लोगों की बैठकें चल रही हैं। अब अगर यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी में कुछ और नेता उसमें शामिल होते हैं या तो फिर समाजवादी पार्टी छोड़ के कुछ अगर नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं जो गुड़ागड़ित है हिसाब से कह सकते हैं कि जनादेश जो दिख रहा है अभी वो अखिलेश की तरफ दिख रहा है, मगर अभी स्थिति किसी तरीके से पूरी साफ इसलिए नहीं है क्योंकि अभी BJP की तरफ से जो उम्मीदवार हैं उनके अभी उनकी घोषणा नहीं है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को भी यही लग रहा है कि 2022
समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हो रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। देखिए, अगर एक युवा होने के नाते अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, अगर मुख्यमंत्री की एक दावेदारी की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव एक बेहतर के लिए विकल्प है, इसमें नो डाउट। अच्छा, अखिलेश यादव तो लगातार जो है सवाल उठाते नजर आए हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना तो युवाओं को रोजगार मिला है, किसान परेशान रहे हैं, इस पर आप लोग का क्या कहना है? आप युवा हैं, आप क्या चाहेंगे? देखो, युवाओं को लेकर अगर बात करें तो अभी जो मौजूदा स्थिति है वो तो बहुत ही बेकार रही, ये इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि लगातार हम लोग पिछले कई महीनों से देख रहे हैं जो बेरोजगार युवा हैं, कहीं लाठियां खा रहे हैं तो कहीं उनको कहीं से खदेड़ा जा रहा है, बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, लगातार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी चाहे अनुदेशक हों चाहे शिक्षक वाले हों, 97-69 हज़ार लोग लगातार, वो लोग भी समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि अखिलेश यादव हमारा साथ दें तो हम उनकी सरकार बनवाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर अखिलेश यादव उनके साथ दिया तो कुछ ऐसा हो सकता है? देखा था हमने कि 69 हज़ार में शायद कुछ 22 हज़ार जो पद से शायद उनको लेकर लोग लगातार प्रदर्शन किए हैं, उसमें शायद जो मंत्री हैं उन्होंने शायद कुछ डेलीगेशन उनके पास मिलने गया था, तो कुछ लोगों को हमको लग रहा है उसमें नौकरियाँ उन्होंने दी हैं, लेकिन उसमें जो सेज बच गए वो भी पिछले कई महीनों से देख रहे हैं जो बेरोजगार युवा हैं, कहीं लाठियां खा रहे हैं तो कहीं उनको कहीं से खदेड़ा जा रहा है, बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, लगातार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी चाहे अनुदेशक हों चाहे शिक्षक वाले हों, 97-69 हज़ार लोग लगातार, वो लोग भी समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि अखिलेश यादव हमारा साथ दें तो हम उनकी सरकार बनवाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर अखिलेश यादव उनके साथ दिया तो कुछ ऐसा हो सकता है? देखा था हमने कि 69 हज़ार में शायद कुछ 22 हज़ार जो पद से शायद उनको लेकर लोग लगातार प्रदर्शन किए हैं, उसमें शायद जो मंत्री हैं उन्होंने शायद कुछ डेलीगेशन उनके पास मिलने गया था, तो कुछ लोगों को हमको लग रहा है उसमें नौकरियाँ उन्होंने दी हैं, लेकिन उसमें जो सेज बच गए वो भी बराबर सड़कों पे क्या है, नौकरी ही मांग रहे हैं। तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी या अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? नहीं, जनादेश तो अभी जो मौजूदा स्थिति दिख रही है वो अखिलेश की तरफ ही इशारा कर रही, लेकिन अभी हाल ही में कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो जैसे पूर्व में हमने जो है युवाओं को लैपटॉप दिया, युवाओं के लिए हमने काम किया, वो सारा काम फिर दोबारा दोहराएंगे। देखिए, युवाओं को अपेक्षाएं हैं अखिलेश जी से, इसको नकार नहीं सकते ये बात। तो ये हमारे साथ तमाम युवा थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवाओं को लेकर हमेशा जो है युवा हताशा पे रहे, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है। लेकिन युवा भी चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो रोजगार को लेकर काम किया जाएगा, युवाओं को लेकर काम किया जाएगा। लखनऊ से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए कृष्णा मोहन मिश्रा।